नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज के इस नए कॉन्सेप्ट में जिसका नाम है क्रैकिंग न्यूज। ये न्यूज हम ऐसे क्रैक करेंगे जैसे कि हम जोक्स क्रैक करते हैं। आशा करते हैं कि हमारी क्रैकिंग न्यूज आपको न्यूज भी लगेगी और जोक्स भी। तो आज की क्रैकिंग न्यूज में हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिव स्टोरी लेके आए हैं जो की है क्रिकेट के सबसे महंगे फॉर्मेट के बारे में जिसका नाम है IPL। IPL जब शुरू हुआ था तब IPL की फुल फॉर्म थी इंडियन प्रीमियर लीग। तो अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? अब अलग अलग लोगों के लिए इसकी अलग अलग फुल फॉर्म हो गई है। सट्टेबाजों के लिए IPL का मतलब हो गया है इंडियन पैसा लीग। उम्र दराज और बूढ़े खिलाड़ियों के लिए IPL का मतलब हो गया है इंडियन पेंशन लीग। और क्योंकि पॉलिटिकल बिग विग्स भी अब इसमें इंटरफियर करने लगे हैं तो लोग आजकल IPL को इंडियन पॉलिटिकल लीग भी कहने लगे हैं। वैसे अरुण, आम जनता के लिए इसका अब क्या मतलब रह गया पता है? क्या? इंडियन पकाओ लीग। बस समझ में आता नहीं है कि कौन किस टीम के खिलाफ खेल रहा है। सारे देश के खिलाड़ी एक ही टीम के अंदर ऐसे मिले हुए होते हैं जैसे कि एक मिक्स फ्रूट जूस का बड़ा सा ग्लास जिसमें कि सारे फल संतरा आम अनार केला चचा सब मिले हुए होते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि IPL इज नथिंग बट फ्रूट कॉकटेल। इंडियन दर्शकों के लिए इट इज डेफिनेटली अ फ्रूट कॉकटेल। लेकिन श्रीशांत और ललित मोदी जैसे लोगों के लिए इट इज अ वेरी सैड एंड ग्लूमी टेल। और रिटायर्ड सौरभ दादा और आउट ऑफ फॉर्म वीरू दादा के लिए इट इज अ वेरी हैप्पी टेल। कहानी तुमने सही कॉकटेल वाली टेल और कहानी वाली टेल को अच्छा मिलाया। वैसे तुम जानती हो IPL के जो ये IPL के फॉर्मेट है इससे हमारे नेता लोग क्यों इतने जलते हैं? क्यों? वो सब इसलिए जलते हैं क्योंकि वो सब सोचते हैं कि काश हम भी इन खिलाड़ियों की तरह शांत से और खुलेआम ऑक्शन में बिक पाते ताकि हमारे पास भी पैसा और इज्जत होती है। वैसे इस बार IPL का रायता 3 देशों में बिखेरे जाने वाला है। रायता? मेरा मतलब है IPL इस बार 3 देशों में खेले जाने वाला है जो कि है UAE, बांग्लादेश एंड भारत। यानी कि 3 कंट्रीज का लव ट्रायंगल। लव ट्रायंगल कंट्रीज के अलावा ब्लैक मार्केटिंग, बेटिंग और लेट नाइट पार्टीज का भी लव ट्रायंगल। ये आज IPL से जुड़े 2 खास लोग हमारे स्टूडियो में हैं, सूजी और सुल्तान। सूजी एक चीयर लीडर है और सुल्तान क्रिकेट के बहुत बड़े फैन। तो आइए मिलते हैं सूजी और सुल्तान से। IPL का आगाज हो चुका है और IPL के पटाखे दिखाने के लिए हम आपको लिए चलते हैं IPL के स्टेडियम में लाइव। आइए चलिए। हेलो हेलो मैडम मैडम भाई हेलो भाई मैडम कौन है तू? मैं कौन है और क्या मांगता है? अरे मैडम, हम तो आपसे बस 2-4 सवालों के जवाब मांगते हैं, वो दे दीजिए, हम आगे चले जाएंगे। पूछो पूछो जल्दी, क्या पूछता है बोलो। मैडम, हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि आप है कौन? Can't you see? हाँ। I am a foreigner. Foreigner? Yes. लेकिन मैडम, इस बार IPL तो 3 देशों में होने वाला है, इंडिया, बांग्लादेश और UAE। और आप कौन से देश के लिए फॉरनर है? मैं ऑल 3 देशों के लिए फॉरनर हूँ, यू नो। ऑल 3 देशों के लिए आप फॉरनर हैं? Yes. हैं? वो क्यों, वो कैसे? ऐसा है, हाँ। मैंने सुना है, हाँ। कि सबसे ज्यादा पैसा, हाँ। उस चीयर लीडर को मिलता है IPL में, हाँ। जो फॉरनर होती है। अच्छा, तो आप ज्यादा पैसे कमाने के लिए फॉरनर बन गई है। दैट इज गुड, दैट इज वेरी गुड। और मैडम, हमें तो बता दीजिए कि आपका देश है कौन सा? मेरा देश IPL है। पर IPL तो खेल है। आजकल लोग खेल और देश में ज्यादा फर्क नहीं करते ना। अच्छा। कभी खेल को देश समझ लेते हैं और कभी देश को ही खेल मान लेते हैं। अरे ये तो बड़ी गहरी बात कर दी आपने। लोग आजकल खेल को देश समझने लगे हैं और देश को खेल की तरह सोचने लगे। वेरी गुड मैडम, ये तो आपने बड़ी डीप बात कह दी। मैं डीप बात नहीं कहूँगी तो कौन डीप बात कहेगा? मेरा तो स्पेशलाइजेशन ही डीप बात में है ना। वो कैसे? मेरा मतलब है जैसे कि डीप फाइंड लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप लॉन्ग और इन्हीं पोजीशंस में तो मैं डांस करती हूँ ना। वेरी गुड मैडम। अच्छा ये बताइए कि आपको इस पूरे गेम का, इस पूरे
पूरे गेम में सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है? सबसे ज्यादा हाँ, मुझे हाँ, हमारे दिल का बात छीन लिए, मेरे को भी कसम से छक्का सबसे ज्यादा पसंद है। और फराक रूप रीति तेरा को नहीं बोलते। अरे आपका तारीफ जनाब, ओए वो खोच इधर आओ ना, वो इधर मेरे पास आना। हां और देखो मेरा तारीफ, हां सुल्तान अलबरेनी अलबुर्द सुल्ताना। अरे वाह, आप है कौन? अरे हम जो है क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन है। फैन है और मालूम है मेरा साथी लोग भी बहुत बड़ा फैन है क्रिकेट का। अच्छा, तो ये भी जानते यूएई में कितना गर्मी होते है? बहुत गर्मी होता है। हम जैसा फैन जब उधर जाते हैं तो क्रिकेटर्स को इतना हवा लगते पूछते नहीं। अच्छा क्रिकेटर का पसीना। अच्छा अभी आपने बोला कि आपको सबसे ज्यादा छक्का पसंद है, यानी कि आप बैटिंग के शौकीन हैं। गलत गलत अंदाजा, 100% गलत अंदाजा। ओ देखो हम तुमको बताते हुए, ये जो हम बैटिंग के नहीं बैटिंग के शौकीन है। बैटिंग का नहीं बैटिंग का शौकीन है। वो जैसे मालूम है तुमको क्रिकेट जो है वो बैटिंग और बॉलिंग का खेल है, ऐसे ही आईपीएल बैटिंग और सेटिंग का खेल है। ओए खोच इधर आना, ओए तुम जानते ही जैसी शायरी में वो जरूरी होते काफिया, ऐसे ही आईपीएल में जरूरी होते माफिया। आप दोनों से एक ये आखिरी प्रश्न कि आप दोनों का अब की बार आईपीएल से एक्सपेक्टेशन क्या है? ओ उधर उधर लेडी, मैं तो ये चाहती हूँ कि व्हाटएवर हैपेंस बट मे द बेस्ट टीम विन। अरे खान साहब, आप वर्स्ट टीम को क्यों जितवाने के लिए दुआ मांगते हैं? देखो भाई जान, तुमको मालूम है क्या, सब लोग जो है बेस्ट टीम पर ज्यादा पैसा लगाते हैं। सही बात है। और हम बेटर यानी कि सत्यवान, अरे हम जो है वर्स्ट टीम पर पैसा लगाती। वो क्यों? वो तुमको मालूम है वर्स्ट टीम जो इतना ज्यादा जीतती हम उतना ज्यादा मुनाफा होती। फोन। अरे बिंदु बिंदु बिंदु, तेरे को कितनी बार बोला हुए बिंदु, जब भी हंसते ना इसका हंसता वो तेरा फोन पे भी दिखाई देते। तो इसको मैं लास्ट टाइम भी वार्निंग बोला था कि भैया तू जो है मिसेस धोनी के साथ नहीं बैठने, नहीं तो अनहोनी हो जाएगा। मानते नहीं है मेरी बात। और फिर क्या, और तो और ये अपना अब्बू जान का नाम जो है वो खराब करते खराब कर दिए। और फिर उधर बिग बॉस में जाकर रोते रोते रखती। अभी तुम्हारा अंकल जो है ना मैं अपन उसका फोन आती। हकीकत।